बाबूपेठ येथील परिसरात 5 वर्षांपूर्वी अटल बिहारी वाजपेयी उद्यानाची निर्मिती करण्यात आली, मात्र सध्या या उद्यानाची दुरावस्था झाली आहे। याकडे महानगरपालिकेचे दुर्लक्ष झाले आहे। येत्या काही दिवसात याची दुरुस्ती केली जावी, अन्यथा आंदोलन केले जाईल, असा इशारा काँग्रेस कमिटीचे शहर महासचिव राजवीर यादव यांनी महानगरपालिकेचे आयुक्त बिपिन पालीवाल यांनी दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे। या उद्यानातील लहान मुलांच्या खेळण्यासाठी लावलेली साहित्य मोडकळीस आली आहेत। ग्रीन जिम तुटला आहे। चहूबाजूंनी येथे घाण साचलेली आहे। स्वच्छतागृहाची अवस्था अतिशय वाईट आहे। महानगरपालिकेच्या दुर्लक्षतेमुळे उद्यान भग्नावस्थेत पोहोचले आहे। या संदर्भात राजवीर यादव यांनी आयुक्त पालीवाल यांना निवेदन दिले आहे। येत्या काही दिवसात याची दुरुस्ती न झाल्यास आंदोलन केले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला। आज से कुछ 5 साल पहले बाबूपेठ अटल बिहारी वाजपेयी ग्राउंड का जो ओपनिंग हुआ था, बहुत ही सुंदर और भव्य तरीके से उसका नियोजन किया गया था। कार्यक्रम बहुत अच्छे से आयोजन किया गया था। बट कुछ ही महीनों में उस अटल बिहारी वाजपेयी ग्राउंड की जो दुर्दशा हुई है, जैसे स्पोर्ट्स के जितने भी खेल कूद के सामान थे, ओपन जिम के जो सामान थे, वो इतने घटिया क्वालिटी के और इतने, आज अगर आप अगर वहाँ पर जाके देखोगे अटल बिहारी वाजपेयी ग्राउंड में, तो वहाँ पर एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ठीक तरह से हो, क्योंकि सारी चीज़ें टूटी हुई है। एक भी चीज़ जगह पर, कोई भी चीज़ वहाँ पे ऐसी नहीं है जो सुविधा के लायक हो। जब उसका ओपनिंग हुआ था, जब उद्घाटन हुआ था, और जिस तरह से हर चीज़ वहाँ पे लगाई गई थी, आप अगर जाकर देखेंगे तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों के वहाँ पे घसर पट्टी से लेकर झूले तक के लगाए हैं, पर झूले में बैठने की सीट गायब है। जो घसर पट्टी लगाई है, जो कॉन्क्रीटिंग होनी चाहिए थी, वो बिल्कुल भी नहीं की गई है, उन्होंने उठाकर वहाँ पर रख दिया। बच्चों की जान की हानि है। घसर पट्टी है जो आधी टूटी हुई है, अगर कोई बच्चा छोटा सा अगर अनजान हो और घसर पट्टी अगर चलना चाहे तो उसकी जान को भी खतरा है। तो मैं इन्हीं, और आज वहाँ पे एक टॉयलेट जो बनाया गया था महानगर पालिका की ओर से, जो उस ग्राउंड के अंदर, उसकी दुर्दशा, ओपनिंग तो हुई नहीं उस बाथरूम संडास की, बट उसकी दुर्दशा भी इतनी घटिया कर दी गई है और वहाँ का कोई मेंटेनेंस नहीं है। तो मैं आज महानगर पालिका में अफसर साहब को, पालीवाल साहब को ये निवेदन देने आया था कि जल्द से जल्द आप वहाँ की एक बार आप दौरा करें और जल्द से जल्द इस समस्याओं का हल निवारण करें। और वहाँ पे जो आज दिन रात वहाँ करीबन 4 से 5 हज़ार लोग सुबह शाम वहाँ पे अपने एक्सरसाइज के माध्यम से सुंदर गार्डन का नियोजन जो बाबूपेठ वासी उठाते हैं, और उसके ऊपर वहाँ की जो सुविधाएँ हैं जो इतनी घटिया क्वालिटी की हुई है, और महानगर पालिका का वो नियोजन है, तो मैं चाहूँगा कि वो जल्द से जल्द इन सुविधाओं को जल्द से जल्द दुरुस्त करें, अन्यथा बाबूपेठ वासी इसका तीव्र आंदोलन करेंगे।